सबसे पहले तो यह समझाना हमारा कि गर्व न कीजे कभी भूल कर गर्व कियो सो हारो। ओ एक दिन गर्व कियो घुंचू ने लाल बदन का। कि एक दिन गर्व कियो सागर ने अति जल हो गो खारो। ओ एक दिन गर्व कियो रावण ने बंस सहित गो मारो। इसीलिए लेकिन अभिमान करवे वाले कौन चूकत है अपनी कसम। एक फिल्म आई थी का नाम तो फिल्म को कुंवारो बाप कहा तो कुंवारो बाप कहा कुंवारा बाप। अब हिंदी में आती है हम बुंदेली में बोले तो कुंवारो बाप हो गई। तो बा फिल्म आती उमे एक गीत है तो बहुत बढ़िया का कि सज रही गली मेरी अम्मा सुनद गोते भक्तन का बहुत घमंड होगा। वे भक्त कौन से आते सत्यभामा को अभिमान था जो प्रभु की खास रानी थी कि न जग में मो समा सुंदर यही दिल में समानी थी। सत्यभामा को अभिमान था कि मेरे समान सुंदर दुनिया में कोई नहीं। सुंदर अति सुंदर कहीं 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 क्या नजर न लग जाए मन नजर तुम दोनों को लग सकती है मुझे नहीं क्योंकि मैं इस संसार में सबसे सुंदर हूँ जिसका मुझे अभिमान नहीं। देखा आईने से भी मेरा रूप देखा नहीं जाता। रुक्मणी का प्रेम और राधा की पायल भी मेरे रूप के आगे शर्माती है। नारायण नारायण आप प्रिय आप कहाँ जा रही हैं? आप तो जानते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। बांसुरी बजा के मुझे ना बुलाना। गरुड़ को ये अभिमान था कि मैं भी बड़ा बलधारी हूँ और प्रभु को लेके उड़ता हूँ स्वयं का इच्छाचारी हूँ। है तो भगवान विष्णु का मानो सारे संसार के पालनहार को अपनी पीठ पर दिए घूमता हूँ। ये हवाएं मेरी दासी हैं और ये बादल मेरे साथी। मुझसे तेज संसार में कोई उड़ नहीं सकता क्योंकि मैं गरुड़ हूँ गरुड़ पक्षीराज। दो हो गए। तीसरा चक्र सुदर्शन को अभिमान था कि मैं भी बड़ा बलधारी हूँ और प्रभु के कर में रहता हूँ मैं उनका आज्ञाकारी हूँ। मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ जो संसार को प्रकाश देता है। उस सूरज को भी मैंने ढक दिया था वक्त भी मेरा दोहा मानता है। अब तीनों जनन खाए तो अभिमान था कि किसी मतलब काउ की सुनते ही ना थे। जब ना सुनते तो भैया फटफटिया बंद कर ले यार सुन ली के तुम्हारे लो है फटफटिया काय हाँ लेकिन फिर का देखो आप बहुत अच्छी बात। अब कृष्ण भगवान द्वापर युग की बात है तो कृष्ण भगवान ने सोची
कि ये तीनों भक्तन का बहुत घमंड है, इनको घमंड कैसे चूर करो जाए। नारायण 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 नारायण, जय हो प्रभु जय हो। ये क्या स्वामी, आज चिंताहरण स्वामी स्वयं चिंतित अवस्था में है। महाभारत के विशाल समर में विराट स्वरूप दिखाने वाले आपके पास तो प्रत्येक समस्या का निदान है प्रभु। देवऋषि नारद जी, मैं अपने ही भक्तों के अभिमान के कारण चिंतित हूँ। कृपया आप कोई ऐसा मार्ग बताएं कि दिशाहीन भक्तों को सही मार्ग पर ला सकूं। प्रभु, अभिमानी भक्तों का घमंड चूर करने में व्यर्थ की चिंता ना करें, इसके लिए उत्तम उपाय है प्रभु। ध्यान कर बुला ले राम भक्त हनुमान जी को। प्रभु जय हो, राम भक्त हनुमान की जय हो। नारायण नारायण जय हो, राम भक्त हनुमान जय हो, राम भक्त हनुमान जय हो, राम भक्त हनुमान। तो प्रभु ने सोचा इनका घमंड एक पल में चूर कराऊंगा, और गर्व करेंगे ना कभी भूल कर ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा। तो क्या किया कि यहां द्वारकाधीश ने बजरंग का किया ध्यान, और ध्यान धरत ही आ गए लो द्वारका में हनुमान। कलाओं वाले तो मेरे हृदय में विराजते हैं, धनुष की टंकार तो हृदय में बसी है, परंतु आज ये मुरली की मधुर तान, आहा, क्या सुर है, क्या माधुर्य है, क्या राग अनुराग है, मन मगन हो गया। इसने तो जैसे मेरे हृदय में जादू सा कर दिया। जय श्री राम। बिल्कुल एक विरोधाभास सुना रहे हैं आपका, कृष्ण भगवान लो हनुमान आए। अब सोचो आए जय ऊट पटांग बातों को और कुछ सुने तो हाँ से अलग क्या, अच्छा पागल आदमी हनुमान जी का तो रामचंद्र जी बुलाओ, तो कृष्ण भगवान कहां से बुलाए। लेकिन हम आपका बिल्कुल विश्वास मानो, आप पुराण की बात सुना रहे और इनमें पंडित जी हरे बैठे हुए जिनने पुराण पढ़े हुए, वे जाना तो कि देश राजबाद महास है। तो इतनी से हमारी कहानी शुरू हो रही का कि द्वारका में आए हनुमान, सज रही गली मेरी अम्मा। द्वारका में आए हनुमान, लो सुन लो कहानी। द्वारका में आए हनुमान। अरे मुंदरी। हाँ सुंदरी। ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हमारी महारानी की तरह खूबसूरत नहीं है। ये तो तुमने गुलटी कहा। चलो फूल ले चलते हैं महारानी के लिए। हाँ, उनकी सुंदरता में और चार चंद लग जाएंगे। हाँ हनुमान, चलो खबर देते हैं। स्वामी आपने माखन खाया? हाँ खाया।
लेकिन पेट नहीं भरा। मैं आपके लिए लेकर आऊं? ठीक है, ऐसा करना, माखन में थोड़ा बूरा डाल लाना। जी और कुछ? थोड़ा दही ले आना। और कुछ? थोड़े बहुत फल ही ले आना। और कुछ? और आप तो आ ही रही हैं। जी अभी आई। द्वारका में हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो गए हैं। ठीक है, उन्हें सम्मान पूर्वक महल में ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। अब कि बोले भगवान हनुमान जी से, बोले हनुमान जी तुम आ गए तो एक काम करो, तुम्हें भूख लगी होगी। हनुमान जी बोले हाँ महाराज। तो भगवान राम का वेश रख के बात कर रहे थे, कृष्ण का वेश रख के नहीं। बोले हनुमान जी तुम्हें भूख लगी तो एक काम करो, ये बगीचा लगा है, इस बगीचे से फल खाया, फिर आओ हमारे पास। प्रभु की जय हो। आओ हनुमान आओ। प्रभु अयोध्या से द्वारका में। हनुमान तुम्हें भूख तो अवश्य लगी होगी। प्रभु भक्त के लिए कोई आज्ञा? नहीं नहीं, पहले तुम वाटिका जाकर फल खाकर आओ। जैसी प्रभु की आज्ञा। जय श्री राम। जय हो प्रभु, जय हो। प्रभु इस बार छलिया ने कैसा पासा फेंका है, स्वयं हनुमान को ही मोहरा बना दिया। प्रभु कहीं ये आप ही का रूप ना धर ले। नारद जी यही तो फर्क है राम लीला और कृष्ण लीला में। कृष्ण की कूटनीति से तो सारी की सारी महाभारत सजी पड़ी है। नारायण नारायण। जय हो प्रभु, जय हो। सत्य कहते हैं आप। नारायण 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 नारायण। अति सुंदर पुष्प, वाह वाह, यह तो अशोक वाटिका जैसी सुंदर वाटिका द्वारका में। क्या सुंदर पुष्प हैं, सारी वाटिका सुंदर पुष्पों से महक रही है। अति सुंदर, वाह। आम सेब केले, वाह। अत्यधिक भूख लग रही है, वाह। लौकी। पपीता। तो हनुमान जी बगीचे में फल खाने चले गए, और शैतान बंदर की जात होती है तो फल तोड़ने लगे, कुछ वो तोड़ के जो अच्छे ना लगे वो फेंकने लगे। अत्यंत स्वादिष्ट मीठे फल है। मौसमी,
खर्ची हैं। खट्टी होंगी। ने गरुड़ जी को बुलाया और बोले भगवान गरुड़ जी से बात, बोले भगवान के बंदर एक आया करे उत्पात, बंदर एक आया करे और लाओ पकड़, बोले भगवान अरे लाओ पकड़, बोले भगवान लो सुन लो कहानी द्वारका में आए। अब गरुड़ जी बोले अरे भाई अब बंदर को अबे कान पकड़ के ले आ रहे महाराज, काहे चिंता कर रहे हैं। प्रणाम प्रभु। आइए देव जी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज्ञा प्रभु। जस पालनहार के वाहक देखो तो बाटिका में कोई बंदर उत्पात मचा रहा है। उसकी अहमत अभी उसे पका कर आपके पास लाता हूँ। आप चिंता ना करें प्रभु। चिंता चिंता चिंता। नारायण नारायण। आओ प्रिय, प्रिय चलो बाटिका चलते हैं। क्यों क्यों? बाटिका जाकर फल खाएंगे और फूल देखेंगे और तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। चलिए चलो। दिखाई नहीं दे रहा, कहां गया वो बंदरा? कहीं मुझे देखकर छुप तो नहीं गया? लगता है इस तरफ गया है, नहीं चलना चाहिए। कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ भी नहीं है। कहाँ छुप गया?
कौन सी खोल में छिप गया है शैतान? कहाँ गया वो बंदरा? गरुड़ जी धाये हनुमत लो आए, ये वचन सुनाए तुम्हें प्रभु बुलाए। हनुमान जी बोले काकई विज्ञा, बोले तुम्हें भगवान बुला रहे। हनुमान जी बोले कौन भगवान बुला रहे? बोले हमारे कन्हैया जी। अरे बोले तो नहीं जात हम, जो तेरे कन्हैया मेरे रघुरैया, मैं नहीं जाऊंगा फल और खाऊंगा। यार गरुड़ जी बोले यार अच्छे चक्कर में बैठ गए यार, तुम चल रहे यार कि नहीं चल रहे? हनुमान जी बोले आप बुलाए हम ना आए, क्यों ना आए फल खाए और कुछ तोड़े गिराए। हनुमान जी बोले कोई रोक सके तो रोके, कोई रोक सके तो रोके, कोई टोक सके तो टोके, हम फिर बल दिखलाए पर आप बुलाए और हम नहीं जाए। हनुमान जी ने सोची यार ये एक ही धुन में उत्तर दे दो। तो बजरंगबली बोले जो तेरे कन्हैया मेरे रघुरैया, मैं नहीं जाऊंगा फल और खाऊंगा। गरुड़ जी बोलेगा तुम चल रहे गए, दो हाथ मारे सो ढंग से चलो तुम। हनुमान जी बोले अच्छा बेटा हमें धौस जमा है, रंग बली है एक चाल चली है, लगे पूंछ बढ़ाने गरुड़ लिपटाने, फिर मारा झटका समुद्र में पटका। गरुड़ जी जागे उठ करके भागे, भगवान लो आए ये वचन सुनाए। यहाँ छुपा है शैतान। अरे फिर शैतान तेरी ये हिम्मत? अरे अरे ठहर तो अभी देखता हूँ। बंदर घुड़की, मैं नहीं डरने वाला, मैं गरुड़ हूँ गरुड़। जानते नहीं हवाएं मेरी दासी हैं और ये बादल मेरे साथी। चलो तुम्हें हमारे भगवान ने बुलाया है, चलो। कौन से भगवान? हमारे प्रभु
मुरली मनोहर को नहीं जानते? मुरली मनोहर मैं नहीं जानता, जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तेरे कन्हैया हैं तो मेरे रघुरैया हैं, जाओ मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो मुझे और फल खाने हैं। बहुत शैतान बंदर है, तुम चल रहे हो या नहीं? अभी दो हाथ मार देंगे तो सही हो जाओगे। हमें धोस दे रहे हो? हाँ, अभी तू मेरी शक्ति को जानता नहीं है। पूछ पकड़कर घसीटता ले जाऊंगा। पूछ पकड़ेगा? अच्छा बच्चू, पूछ पकड़ेगा, बड़ा आया पूछ पकड़ने वाला। ले पूछ पकड़, जय श्री राम। पूछ पकड़ेगा, ले पकड़। अरे बाप रे भैया, अपनी माता जी को भी याद कर ले। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे चलो, हाँ अब हुई ना बात। अरे रुको रुको, अरे रुको रुको, जा एक हाथ काफी है तुम्हारे लिए। करो भाई, करो भाई, अरे भाई, क्या कर रहे हो भैया? अरे ये अरे तुम है कि रास्ता। अरे क्या करो भाई, अरे क्या कर रहा है ये बंदर? बड़ा भगवान है भैया, अरे बड़ा खतरनाक भगवान ने कहा फंसवा दिया आज। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा? अरे तुम्हें तो देख आईना शर्मा जाता है, तुम तो। मैं डरने वाली नहीं, चलो चलो। अरे प्रभु, भगवान बोले काय हो गरुड़ जी, हमने तुम्हें पहुंचाओ तो क्या तुम उगे पकड़ लिया बंदा खाओ, तुम्हें इतनी भूख लगी तो तुम सफाई में चले गए। अरे बोले महाराज सफाई में नहीं गए थे, आप फसा भी दी थी। बोले काय? बोले महाराज कि बोले भगवान क्यों आया नहीं बंदर, बोले भगवान क्यों आया नहीं,
अरे काहे को गरुड़ जी गए थे समुंदर, काहे को गरुड़ जी वो आया ना होगा बलवान, वो आया ना होगा बलवान, लो सुन लो कहानी गरुड़ जी से। भगवान बोले कि क्या बात है, तुम बंदर को पकड़ने नहीं गए, मैंने तुमसे कहा था कि बंदर को पकड़ के ला। बोले महाराज तुम्हें गोली मारने इतना ही मार दो हम ना जे बंदर आए। बोले क्यों? अरे बोले बंदर आए क्यों, तो काला बैठ हुआ आप आता। बोले बोले आखिर हुआ क्यों, समुद्र क्यों चले गए? बोले चले गए क्यों, पूंछ में लपेड़ के फेंक दो तो समुद्र में गिरी। बोले हम ना जे हुआ। भगवान बोले मन में भगवान ने सोची कि बेटा अब तनक और घमंड है तुम्हें, रो जाओ। तो बोले अरे गरुड़ जी एक काम करो यार। बोले का? बोले तुमने का कही? बोले महाराज हमने देखो एक बात याद रखियो आप, हम पूरी कहानी का बुंदेली में बोल रहे है ना, अगर उमे कोनो शब्द ऐसो निकले जो बुंदेली के में शामिल होत हो तो वे आप जो ना समझ जाइयो कि ऐसो साहित्य में लिखो। समझ गए आप हमारी बात? क्योंकि बुंदेली में जो शब्द शामिल होते हैं वो शब्द हो सकत वे साहित्य में ना लिखे हो लेकिन बुंदेली में तो हो। जो मतलब है जैसे हमने कह दो कि यार गरुड़ जी तो अब यार थोड़ी लिखो साहित्य में, लेकिन बुंदेली में तो चल जाती है। गरुड़ जी आप अकेले ही? अरे प्रभु, अरे हमने तो आपको उस उत्पाती बंदर को पकड़ने भेजा था और आप नहाने ही चले गए। अरे प्रभु हम नहाने नहीं गए थे, नहाने नहीं गए थे, आपने तो हमें मुश्किल में डाल दिया प्रभु। आप तो कह रहे थे कि वो बंदर है, अरे वो तो साक्षात्काल है प्रभु, साक्षात्काल। अरे प्रभु यमराज है यमराज। अरे प्रभु उसने हमें अपनी पूंछ में लपेट कर ऐसा समुद्र में फेंका कि हड्डी पसली एक हो गई। प्रभु आने नहीं रहे प्रभु। ये पूरी तरह से घमंड गया नहीं क्या? तो गरुड़ जी से बोले एक काम करो यार, तुम चले जाओ गरुड़ जी। और तुमने का कही थी उसे? कन्हैया ने बुलाओ। बोले हाँ। बोले अच्छे पागल हो, तुम्हें जो थोड़ी काने तो कन्हैया ने बुलाओ, तुम्हें जो काने तो के भगवान राम ने बुलाओ। बोले कन्हैया के बुलाए कौन गया उन्हें, अबे अबे तुम जाओ जो कहियो के राम ने बुलाओ। वे बोले महाराज हम पांव परत अपनी सुनना पहुंचाओ आप। बोले नहीं तुम जो किया हो कि तुम्हें रघुरैया ने बुलाओ। बोले फिर हिम्मत करी खतरा सो कि बोले गरुड़ सुनो भगवान, वो है बंदर बलि महान, जाने कैसे बच गई जान क्या बताऊं मैं, और मैं तो पड़ा रहा बेहोश क्या सुनाऊं मैं, बोले भगवान गरुड़ फिर से चले जाओ तुम, मेरा संदेशा जाके उसको सुनाया वो तुम। फिर से गरुड़ को भगवान ने पठाया है और बोले तुम अब की बार कन्हैया ना कहना, जाकर के कहना सीता नाथ ने बुलाया है। तुमने उससे क्या कहा था? श्री कृष्ण ने बुलाया है। तुम्हें यही तो नहीं कहना था, तुमको कहना था कि श्री राम ने बुलाया है, ये तो राम भक्त है, राम भक्त। अरे प्रभु हम आपके पैर पड़ते हैं, हमें अब उसके पास आप मत भेजो,
उसके पास मत भेजो हमें, हम नहीं जाएंगे। अरे अरे अरे, करो नहीं करो जी। तुम तो कहना कि तुम्हारे रघु रैया ने बुलाया है, ठीक है, तुम्हारे रघु रैया ने बुलाया है। अब आप कहते हो तो चला जाता हूँ। नारायण 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 नारायण। आप किशन ने नहीं राम ने बुलाया है, राम ने नहीं किशन ने बुलाया है, राम किशन किशन। मुझे ये पहेली नहीं समझ में आती। समझ नहीं आता, जरा ठहरो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहुँचे गरुड़ हनुमत बोले, फिर तू मरने आया है। अरे बोले यहाँ दीनबंध, हा हा महाराज सीता नाथ ने बुलाया है, हा हा महाराज सीता नाथ ने बुलाया है, हा हा महाराज सीता नाथ ने बुलाया, हा महाराज सीता नाथ ने बुलाया। बोले महाराज आपको सीता नाथ भगवान राम ने बुलाया। बोले अच्छा अच्छा रामचंद्र जी ने बुलाया, तो रुको गरुड़, ऐसा करो कि तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूं। तो बोले गरुड़ से तब हनुमान, गरुड़ जी सुनो लगा कर ध्यान, लो बताऊं मैं, और चलो तुम आगे आगे तेरे पीछे आऊं मैं, चलो तुम आगे आगे। गरुड़ जी खा जो अभिमान थोड़ो सो रह गो तो वो पैदा हो गो। बोले अच्छा, अब गरुड़ जी खा अभिमान आ गो। बोले ए हनुमान इतने आओ। बोले बेटा तुम आओ बंदरा। बोले मान ना दियो तो एक बात के, का मार देखा तो डरा गए थे। तो बोले आप मारियो ना तो एक बात कहे। हनुमान जी बोले कहो। बोले देखो माना हनुमान, मुझसे लड़के जीत सकते हो, पर मेरी बराबरी में कभी ना उड़ सकते हो। उन्हें यह घमंड था कि मैं भगवान को लेकर उड़ता हूं, तो यह बंदर मेरी बराबरी में क्या उड़ेगा। अब उन्हें कहा पतो के पवन के पुत्र धरे जी। बोले माना हनुमान, मुझसे लड़के जीत सकते हो, मेरी बराबरी में कभी ना उड़ सकते हो। आओ सुनो तुम्हें उपाय एक बताता हूँ, बैठो मेरी पीठ पे भगवान लो पहुंचाता हूँ। हनुमान जी का बहुत गुस्सा आ गई कि जौन कुर्सी पे कलेक्टर साहब बैठा, चपरासी से कहा तुम यही पे बैठ जाओ। बोले ये हमारे भगवान की कुर्सी है, तुम हमसे कह रहे हो कि बैठ जाओ। बोले ये हमारे मालिक की कुर्सी है, जिससे हमारे मालिक इस पे बैठते हैं। बोले इतने आओ हम बैठ रहे तुम्हारे ऊपर। अब वे बोले सुनो पूछ भाई मैंने लपेड़ी है तुम्हें कौन ला। बोले बगल में आओ। और फिर से हनुमान ने उन्हें पूछ में लिपटाया है। वे बोले महाराज फिर कहीं समुद्र में फेंक दियो कौनू पथरा पे ना देवा यो दीनवन। फिर से हनुमान ने उन्हें पूछ में लिपटाया है, और एक ही झटके में द्वारका धीस लो बैठाया है। एक ही झटके में द्वारका, अरे एक ही झटके में द्वारका धीस लो बैठाया है। अरे तू फिर मरने चला आया? अरे नहीं नहीं, आपको सीतानाथ भगवान श्री राम ने बुलाया है। सीतानाथ ने बुलाया है, प्रभु श्री राम ने बुलाया है। तुम चलो फिर मैं आता हूँ।
अच्छा ए हनुमान इधर आओ, देखो तुम हो बंदरा, देखो मारो नहीं तो एक बात कहे, कहो कहो। माना कि तुम लड़ाई में तो हमसे जीत सकते हो, लेकिन मेरी बराबरी से उड़ नहीं सकते, इसलिए मेरी बात मानो, मेरी सलाह मानो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें भगवान के पास अभी ले चलता हूँ। अच्छा ऐसा है? ऐसा ही है। यहाँ आइए लीजिए दीन बंधु, बैठिए। इस जगह पर प्रभु विराजमान होते हैं। वहाँ तू मुझे बैठने के लिए कह रहा है? बैठिए भैया। अरे फिर लपेट दिया भैया। अरे अरे आई आई। अरे भगवान, अरे पानी में ही फेंकना, कहीं पत्थर मत्थर पे मत पटक देना, वरना हड्डी बंदी टूट जाएगी। बड़ा आया करो, कैसा था मुझसे तेज नहीं हो सकते। मैं भी पवन पुत्र हूँ। जय श्री राम। क्या बात है प्रभु, मन ही मन बड़े तरंगे थोड़े, बतलाइए ना क्या बात है। कुछ विशेष बात नहीं है देवी। जब किसी का घमंड टूटता है तो अपने आप होठों पर मुस्कान आ जाती है। ये तो है प्रभु। सीधे एक झटका मारा और द्वारकाधीश के यहां भेज दिए, और जब वे द्वारकाधीश के द्वारे गिरे सो हनुमान जी पहला ठाड़े थे होते। सो नेचे मुड़ करो, अब भीतर घुस गए कि अब हमें राम ही राम नहीं करनी है। कहा अब कछू के तो फिर कुटने हो, अब तब नहीं बोल रहे। भीतर गए बोले महाराज आ रहे वे दुआएं ठाड़े दीन मन। अब दरवाजे में अब एक जनन को गर्व तो चूर होगा, अब चक्र सुदर्शन को भगवान ने दरवाजे पर लगा दिया था कि यहां कोई बंदर आए तो उसे अंदर ना घुसने देना। तो हनुमान जी बेचारे घुसन लगे, तो चक्र सुदर्शन बोले अब देखो फिर बहुत पुरानी तर्जी याद आई। चक्र सुदर्शन जी पुराने थे सो पुरानी तर्जी याद आई। कौन सी? कि दुनिया का मेला मेले में लड़की। देखो मई के मई शर्मा रहे वे रोजा भैया। तो जैसे ही बजरंगबली अंदर घुसने लगे तो चक्र सुदर्शन बोले जाने ना दूंगा ओ जाने वाले। बोले काय भैया? बोले नहीं जाने न दूंगा ओ जाने वाले, हम हैं यहां के पहरेदार। बोले सो? बोले बस रोक रहे के भीतर न जाइए। बोले भैया खड़ जान दे। बोले नहीं। बोले अगर तुम में ताकत है, देखो अंतरा से शुरू कर रहा हूं, तो बोले कि तेरी भी है जवानी तो मेरी भी है जवानी, तेरी भी है करके देख लेना किसमें है कितना पानी, लड़ करके देख लेना।
पहरेदार हूँ। पहरेदार भैया, जाने दीजिए। ना क्या के? कैसे? ऐसे? तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ। चलकर देख लो किसमें कितना है दम। जैसी तुम्हारी इच्छा। तब फिर हनुमान जी बोले, आ रहे ऐसे कालो हम ठाड़े रहे। गुस्सा बजरंग को आया, गुस्सा बजरंग को आया, उठा मुंह में दबाया और पहुंचे प्रभु के दरबार। रुक जाना, जाने न दूंगा, ओ जाने वाले हम हैं यहाँ के पहरेदार। अंतिम बात तो अंतिम गीत, मतलब इस गीत का अंतिम बिल्कुल आखिरी पर वह पक्ष है कि जब हनुमान जी चक्र सुदर्शन जी लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा को घंटन बहस करें उन्हें उठाओ। सो बे बोले महाराज, देख मोई में डरी डरी बोले चक्र सुदर्शन, बोले डालन तैना दाविय। अरे गालई में तो बचे थे और बोले गुटकियो ना दीनमंद ओते फेंक दियो भगवान। सोने भगवान के सामने जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने पहला से सत्यभामा से कह दो तो कि तुम सीता जी को रूप बना के बैठ जाओगे। सत्यभामा को रूप बना के बैठो, पाओ ना पड़े। प्रिय तुम सीता का रूप बना लो, क्योंकि इस रूप में बैठोगी तो श्री राम भक्त हनुमान तुम्हारे पैर नहीं छुएंगे। अच्छा प्रिय, तो बेबी सीता जी को रूप बनाया, हर बे देख रही थी कि हम अच्छे लग रहे कि नहीं लग। काय उन्हें जय चिंता थी कि हम तो खूबसूरत हैं संसार में सबसे ज्यादा, जय घमंड। तो हनुमान जी जैसे ही पहुंचे सो उन्हें प्रणाम करो, तो हनुमान जी उसे भगवान बोले कि क्यों तुम्हें दरवाजे में कोई नहीं मिला? अरे बोले महाराज, हते तो एक जने ले मुंह में से निकाले। बोले जी डरी ऐसी अठाड़ी कह दी महाराज, जी कड़न ना दे रहे थे सामने ने मुंह में डाल लो हमारी माओ। तो चक्र सुदर्शन जी को तब मुख से तो रत निकाला, चक्र सुदर्शन जी को तब मुख से तो रत निकाला। और गरुड़ देव को बोले, देवी ये कोने में बैठे थे, ए हल्ला न कर। गरुड़ जी भी एक कोने में बैठे थे होते ही, तो बोले महाराज एक जने जे हैं लो दरवाजे में ठाड़े थे। वो बोले जो गरुड़ देव को बोले ये अच्छा पक्षी पाला, गरुड़ देव को बोले ये अच्छा पक्षी। प्रभु की जय हो। आओ हनुमान। हनुमान तुम्हें द्वार पर कोई नहीं मिला? प्रभु ये रहे कांटे पहलवान। कैसे कमजोर द्वारपाल आपने खड़े कर रखे हैं प्रभु? हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे तो हमने इन्हें मुंह में रख लिया। और प्रभु आपके आसन पर हमें बैठने को कह रहे थे। ऐसे कमजोर पक्षी आपने पाल रखे हैं प्रभु। चक्र नजर ना मिलाए,
चक्र नजर न मिलाए, गरुड़ सर को झुकाए और बैठे हैं दोनों मनमा। रुक जाना जाने नंगा वो जाने वाले हम हैं यहाँ के सरदार। रुक जाना जाने नंगा वो जाने वाले हम हैं यहाँ के सरदार। रुक जाना। हनुमान जी की ओर इशारा किया भगवान ने के उनने फौरन पांव लो झुके और फिर खड़े हो गए। बोले महाराज वे समझ गए मन ही मनो, पहला तो भीतर ही भीतर गुनो ने फिर बोले, पहला तो भीतर ही भीतर सोचो के देखो। सत भामा रूप छिपाए और श्री सीता वेश बनाए, लख पवन पुत्र मुस्काए। अब फौरन भगवान कृष्ण जो राम बने बैठे थे उनसे बोले हनुमान जी, बोले महाराज कि बोले हे सरकार बता दो ये दासी कहां से लाए। बोल बजरंगवली। सत्यभामा जी रूप छिपाए बैठी हैं, माता सीता का वेश बनाए बैठी हैं। प्रभु ये बहुरूपियन दासी कहां से लेकर आए? क्या कहा? बहुरूपियन दासी? मैं आपकी परसानी हूँ परसानी, मुझे स्पर्श कर हवा चलती है, मेरे मुस्काने से फूल खिलते हैं और मेरे चांद के मुखड़े को देख सागर में जाओ घाटा आता है। आपको शत शत नमन माता। और प्रभु आपने मेरा ध्यान किया था तो द्वारका में चला आया। आपको भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त का सादर प्रणाम। लेकिन हाँ लेकिन लेकिन का मतलब अधूरा ही रह गया पट रानी के लिए। हनुमान तुम भी जरा समझा दो। जैसे प्रभु की आज्ञा। माता आपको जिस सुंदरता पर घमंड है वह तो नश्वर है, सुंदर तो अजर अमर आत्मा है। आत्मा मैं नहीं मानती। आप में तो मिर्ची जैसा तीखा घमंड भरा है माता। क्या कहा? मिर्ची जैसा घमंड? हनुमान मर्यादा से बाहर जा रहे हो। क्या आप घमंड के आईने को टूटा हुआ नहीं देख रही? इन दोनों का तो हाल आपने देखा ही है माता। सुंदरता तो क्षण भंगुर है माता, जिस प्रकार फूल खिलता है और फिर खिलकर मुरझा भी जाता है माता। हनुमान तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। तुम ठीक कहते हो, आत्मा ही संसार में सबसे सुंदर होती है। स्वामी मेरे घमंड का जाल मुझे अब शांत हो गया। आप लोग समय से पहले जीत गए वरना बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि मनुष्य को दो बुराइयां दूषित कर देती हैं, अहंकार और क्रोध। इन दोनों को छोड़कर मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, सुंदर हो जाता है। बजरंग बली की जय हो। जय जय श्री राम। नारायण नारायण। जय हो प्रभु जय हो। वहा आपने महाभारत में भीम को राह दिखाई थी दातून फेंककर, और यहाँ अभिमानी भक्तों का घमंड चूर कराया राम भक्त हनुमान जी से। बलिहारी प्रभु बलिहारी, आपकी कूटनीति भी बलिहारी है प्रभु। आखिर
आखिर आपने घमंड की ये महाभारत जीत ही ली। नारायण 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 जय श्री राम।